नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के भाजपा प्रत्याशियों का सघन जनसंपर्क जारी। मंडीदीप नगरपालिका परिषद के यूं तो 26 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं प्रत्याशी डोर टू डोर मतदाताओं से जनसंपर्क में लगे हुए हैं। इनका प्रचार रोड पर नहीं घर की दहलीज पर नजर आ रहा है। एक एक मतदाताओं से रूबरू होकर सभी कार्यकर्ता अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का आग्रह करते हुए पुरानी परिषद में नगर की स्थिति को भी याद दिला रहे हैं। वहीं वार्ड नंबर 5 से भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती प्रियंका राजेंद्र अग्रवाल, जो कि पिछले चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए भी मैदान में थी, अब अपनी महिला कार्यकर्ताओं के साथ अपने वार्ड में अलग जनसंपर्क कर रही है। तो राजेंद्र अग्रवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ अलग जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हालांकि यह वार्ड उनके लिए बड़ी चुनौती है। यहां 15 सालों से कांग्रेस के अख्तर अली का कब्जा है और अभी भी उनकी पत्नी से ही इनका मुकाबला है। राजेंद्र अग्रवाल पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष होकर भाजपा में अपना अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं। वह चाहते तो किसी भी वार्ड से टिकट लेकर चुनाव लड़ सकते थे, किंतु उन्होंने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। वहीं वार्ड नंबर 6 से श्रीमती विनीता नारायण साहू, वार्ड नंबर 7 से दौला सिंह तथा वार्ड नंबर 8 से श्रीमती निर्मला जयपाल राजपूत एवं वार्ड नंबर 10 से पंचम सिंह अहिरवार एवं वार्ड नंबर 11 से दीपिका सुरेंद्र जैन के भी चुनाव कार्यालय से कार्यकर्ता जोश और खरोश के साथ प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा एवं चुनाव प्रभारी पूर्व विधायक मोहन शर्मा के मार्गदर्शन में मंडीदीप के पार्टी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ अपने प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं। परिवार की तरह रहकर अपने मंडीदीप नगर को 26 के 26 वार्डों को विजय बनाए। भारत माता की जय। भारत माता की। क्या आप एक यूट्यूबर हैं? क्या आप चाहते हैं शासन से गाइडलाइन? क्या आप चाहते हैं वैधानिक तरीके से YouTube चैनल को मिले मान्यता? जी हाँ, तो आज ही जुड़िए। वेव पोर्टल चैनल वेलफेयर एसोसिएशन अब यूट्यूबर्स के लिए लेकर आया है एक नई सौगात, न्याय, नियम, अधिकार और संरक्षण। आज ही ज्वाइन करें। एक से बढ़कर एक ताजी अपडेट के लिए आपके अपने SS News 24 चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।